बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नासिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नासिर ख़ान लिया। आज आपको एनर्जी सेवर को एलईडी बल्ब में तब्दील करने का तरीका बताना है कि आप एनर्जी सेवर को कैसे एलडी बल्ब में तब्दील कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो शुरू करते हैं। ये एनर्जी सेवर है, इसको एलडी बल्ब में तब्दील करने का तरीका आपको बताता हूँ मैं। ये एलडी बल्ब ये एनर्जी सेवर आप देख रहे होंगे, ये होती है एलडी लाइट। इसका मैं तरीका बता देता हूँ आपको। ये मैं इसको खोला हुआ पहले दिखा देता हूँ आपको, किस तरह खोलना। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सही दिखा नहीं सकूँगा। ये देख रहे हो आप, ये इस तरह आप पेचकस लगाओगे इसको, ये टेस्टर ये खुल जाएगा। ये अंदर से आपको ये सर्किट नज़र आ रहा होगा, ये सर्किट नज़र आ रहा होगा आपको। ये सर्किट आपने बाहर निकालना है और इसका ये जो शीशा है, ये वाला, ये शीशा आप तोड़ देंगे और उसके बाद आपको ये उभरी हुई जगह जो नज़र आ रही है, या आप किसी छुरी की मदद से या कैंची उससे काट लेंगे, ये जगह बिल्कुल बराबर हो जाएगी। उसके बाद आप इसके ऊपर, ये मैंने दूसरा बनाया हुआ है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने खोला हुआ है, इसमें से ये मैंने निकाल दिया था सामान, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ये खाली चिप लगानी पड़ती है। ये तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह जो है ना, ये मैंने इसका, ये देखें आप, ये शीशा निकाला हुआ है। ये शीशा निकाल कर ये सारा बराबर किया हुआ है इसको, ये एक सुराख किया हुआ है इसका। मैं उसके बाद दिखाता हूँ आपको, ये इसकी हीट सिम मैंने बनाई थी, ये आपको नज़र आ रही होगी, हीट सिम इसकी मैंने बनाई थी। ये इसके साथ बराबर, किसी भी आप अल्मोनियम वाली दुकान से आप ये ले सकते हैं, आराम से इसमें सुराख कर लेना, कोई मसला नहीं है इसका। ये हीट सिम लाजमी लगानी पड़ती है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं, ये इसके अंदर मैंने ये तारें लगाई हुई हैं सारी, ये हीट सिम के साथ ये है सुराख का। इसको मैं फिट करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह करना है आपने। इसकी तारें जो आपने लगानी है आपको दिखा देता हूँ मैं। एक तार इसने सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, ये एन पे लगानी है आपने, यहाँ से इसका कनेक्शन देना है एक तार का। दूसरी तार का कनेक्शन आपने सिर्फ एल पे लगाना है और आपने कुछ नहीं करना। ये जो अंदर आपको इसके तारें नज़र आ रही होंगी ना, अंदर तारें निकलती हैं, इस तारों के अंदर से जौन सी मर्जी तार आप एन पे लगा दें आपकी मर्जी है, एल पे लगा दें आपकी मर्जी है, इसका कोई मसला नहीं है। इसको ये तो करते हैं, हीट सिम को सिलिकॉन के साथ लगाते हैं या किसी और चीज़ के साथ लगाते हैं। मैंने जो है ना, ये नट, ये काबले वगैरह आसानी से मिल जाते हैं, वो सिलिकॉन आपको एक या दो लगाने के लिए पूरी सिलिकॉन की बोतल ख़रीदनी पड़ेगी। ये मैंने इसमें लगा दिए थे, आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसको फिट करके आपको दिखाता हूँ किस तरह फिट करना है, वो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये मैंने इसमें, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये नट नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला, एक यहाँ लगाया है, दूसरा ये लगाया है। ये दिखा दूँ आपको मैं, इसके सुराख हुए हुए हैं, एक ये सुराख है, एक ये सुराख है, दरमियान में इसके तारें गुजर रही हैं, ये तारें गुजर रही हैं।
ये इस तरह ही सुराख, इसके दरमियान से ये तारें गुजर रही हैं। ये हीट सीम जो मैंने बनाई थी, ये हीट सीम के अंदर भी सुराख किया हुआ था। ये अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये लगे हुए हैं जी नट, वो आपको जो वो नट नज़र आ रहे थे वहाँ से ये नज़र आ रहे होंगे आपको। इस तरह आप टाइट कर देंगे, इस तरह ये आपकी बल्ब की, एलईडी बल्ब की जो चिप होती है, ये हीट सीम, ये हीट, ये बल्ब की बल्ब वाली ये शीट, उसके बाद हीट सीम, और ये जो नीचे इसके प्लास्टिक की ये इसके साथ होल है, ये सारे एक जान बन जाएंगे। ये हीट सीम भी आपको ना सिलिकॉन लगाने की ज़रूरत है, ना कोई चीज़ कुछ और लगाने की ज़रूरत है। इस तरह ही आप ये सारी चीज़ें इसको आसानी से आप खोल भी सकते हैं। सिलिकॉन आप लगाएंगे तो वो खुलता नहीं है, दोबारा तोड़ना पड़ेगा फिर आपको। इस तरह आपका नुकसान नहीं होगा और आसानी से ये पेंच मिल जाते हैं, कोई इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है ये। ये अब आपको मैं बंद करने का तरीका दिखाता हूँ, मैं बंद किस तरह करना है, आपने बंद कर देते हैं इसको, इस तरह खुला पड़ा है, इसको बंद करना है। अब एक हाथ से ये बंद अब सही नहीं होगा, मैं इसको वीडियो को रोक के फिर बंद करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें आप, मैंने इसे बंद कर दिया है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये बंद हो गया है। अब आपको मैं इसको जला कर दिखाता हूँ, इसकी लाइट भी आप देखना कितनी ज़्यादा लाइट है इसकी। ये आपके सामने है वही बल्ब, ये इसको मोबाइल से इसके करीब लेके जाऊँ ना, ये फिर वाइब्रेशन करता है ये। ये आपको नज़र आ रहा होगा वही, कितनी तेज़ लाइट है इसकी आपके सामने है, आप देख रहे होंगे। ये बुझा के दिखा देता हूँ आपको मैं, ये वही जो हमने बनाया है सारा कुछ आपके सामने है ये। ये आपको जला के दोबारा दिखा देता हूँ मैं, ये करीब लेके जाऊँगा, ये देख रहे होंगे आप, वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है मोबाइल की वजह से। ये दूर से देख लो आप, ये नज़र आ रहा है आपको, ये देख लो कितनी तेज़ लाइट है इसकी आपके सामने है। ये आप भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको समझ ना आए तो मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ होता है, आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।